नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको कुछ राग बताएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करें अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं। ठीक है, हमारे सिंगिंग के लिए भी वो राग हैं, लेकिन जो लोग स्पेशली हारमोनियम सीखते हैं और गाना नहीं सीखते हैं ये राग उनके लिए है। ठीक है, और इनको आपको किस तरह प्रैक्टिस करना है और कैसे अपनी तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को अच्छे से समझें, ये आपके बहुत ही काम की चीज है और आप इसको अगर समझ लेंगे तो इसको आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छा बजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अगर हारमोनियम सीख रहे हैं, गाना नहीं सीख रहे हैं, तो हमें उन रागों का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा गाने बने हुए हैं, क्योंकि हमें गाने बजाने हैं तो हमें उन्हीं रागों को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा गाने बने हैं। हमें गाना गाना तो है नहीं, तो हमें उन रागों पे बाद में, हाँ जब ये रागों की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप कुछ बजाने लगे उसके बाद आप और भी राग कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हीं रागों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनमें लाखों करोड़ों गाने बने हुए हैं, क्योंकि जो राग हम कर रहे हैं उनमें जब ज्यादा गाने होंगे, जब उस राग का फॉर्मेट आपके अच्छे समझ में आ जाएगा तो उस पे आपकी उंगलियां अच्छे से दौड़ेंगी, अच्छे से उस चीज की समझ होगी। आप कोई भी चीज, अब जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी में सबसे ज्यादा गाने बने हुए हैं। उसके बाद में आता है राग शिवरंजनी, उसमें भी लाखों गाने बने हुए हैं। तो ऐसे रागों को जब आप प्रैक्टिस करते हैं और कोई गाना आपके मन में आता है और बजाते हैं, जैसे ही वो नोट्स लगते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है ये गाना हमारा उस राग में है, क्योंकि ये इसमें ये नोट्स लग रहा है। और हम शुरुआत में कई बार सीखने कहीं जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे राग दिए जाते हैं कि जिनका गानों से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो गिने चुने, जैसे कोई ऐसा राग है जिसमें 10-20 गाने बने हुए हैं। जैसे बागेश्वरी राग है, बागेश्वरी राग मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिलेबस में सबसे ज्यादा सिखाते हैं। बागेश्वरी में कौन से गाने हैं भाई, मुझे लगता है 10-20-50 गाने बने होंगे। तो उस रागों को करके आप क्या करेंगे, हमें तो उन रागों को करना है जिसमें सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों गाने बने हैं। ठीक है, हाँ अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं तो देखिए, सिंगिंग करने के लिए कोई भी राग अवॉइड नहीं करना है, उसमें भी आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं सब कुछ आपके हित के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें आपको जो भी राग दिया जाता है, मान लो आपका स्टेज पे गाते हैं और आपको राग ही गाना है, तो किसी ने बागेश्वरी राग की फरमाइश की तो आप बागेश्वरी गा रहे हैं, किसी ने शिवरंजनी की तो शिवरंजनी गा रहे हैं, वो एक अलग फॉर्मेट हो जाता है। हमें इन रागों का प्रैक्टिस करना है और किस तरह करना है। ठीक है, तो आइए हम आपको कुछ रागों के नाम बताते हैं, उन रागों को आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप उनको लिख लेंगे और उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उनमें देखिए सबसे पहले तो आपको आरोह अवरोह को प्रैक्टिस करना है, और आरोह अवरोह को आपको इतने बीच में सीमित नहीं रखना है, क्योंकि गाना आपका इतने बीच में नहीं बजता है, हमारा रेंज कम से कम यहां से और यहां तक होना चाहिए, नीचे के पा से और ऊपर के पा तक, इतना रेंज कम से कम हमारे हाथ का दौड़ने का होना चाहिए, इतने बीच में ही सारे गाने होते हैं। तो आरोह अवरोह को आपको पीछे भी ले जाना है, आगे भी ले जाना है, और उनके आरोह अवरोह को खूब प्रैक्टिस कीजिए। आरोह अवरोह के बाद में फिर बंदिश को भी प्रैक्टिस कीजिए। बंदिश करने से आपको ताल का अनुभव होता है। हम कोई जैसे गाना गाते हैं, हर गाना एक ताल में बंधा होता है, कहीं एक भी शब्द हमारा ताल से बाहर नहीं होता। लेकिन कई बार हम जब बंदिश करते नहीं है, डायरेक्टली गाना बजाना शुरू करते हैं, तो वहां पे फिर हमारी ताल बिगड़ जाती है। ताल की समझ आपको हमेशा ये मान के चलिए कि रागों की बंदिश से होती है। आप बंदिश को करते हैं अगर आपने बंदिशें की होंगी तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, जैसे सरगम गीत आपको लिख कर दिया जाता है तो उसमें बीच में खाली जगहें होती हैं, डैश डैश होते हैं, तो डैश का मतलब होता है कि हम कहां पे कितनी देर हमें रुकना है, वो अनुभव आपको कैसे होगा। तो उन चीजों से ही हमारी ताल मजबूत होती है और हमें पता चलता है अगर हम कहीं बीच में गाना बजाते बजाते रुक गए तो रुके भी तो कितनी मात्रा रुके, तो वो चीज आपको बंदिशों से प्राप्त होती है। इसलिए बंदिशों को बहुत ही मन लगा करके हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये पहले, सबसे पहले तो आप रागों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आता है राग दरबारी, इसमें सबसे ज्यादा गाने हैं। राग दरबारी के स्वर हैं सा रे गा पा धा सॉरी सा रे गा मा पा धा नी सा
सा नी धा पा मा ग री सा। ये हमारे राग दरबारी के स्वर है। राग दरबारी इस तरह नहीं चलता है, ठीक है, सीधा जाना सीधा ना, वो उल्टा सीधा चलता है। लेकिन उल्टा सीधा आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। जब आप राग कभी गाएं तो वो उल्टा सीधा आपको लेना है, अभी खाली आपको सीधा सीधा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कन्फ्यूजन आपके दिमाग में जब शुरू में आ जाता है, कई लोग बोलते हैं ना कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे करना है। अरे वैसे तो करना है, लेकिन वैसे आप इतना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आप कर ही नहीं पाएंगे। तो शुरुआती दौर में सबसे पहले हमें उसको सीधा बजाना है। सीधा बजाएंगे आपको बजाना सरल रहेगा और हमारे राग दरबारी के नोट्स भी लगेंगे। तो आप सीधा ही बजाएं और अपने हाथ को स्पीड में लाएं, हाथ में वजन लाएं। जब आपके हाथ में स्पीड और वजन आ जाएगी, उसके बाद में आप उसके जो उसका जो चलन है उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हमको बहुत कठिन कोई चीज दी जाती है और उसकी उसको कठिनाई से समझाया जाता है, तब मुश्किल होती है। कठिन चीज को सरल तरीके से अगर आप कर पाते हैं तभी वो चीज आपकी तैयार होती है, ठीक है। तो ये हो गया राग दरबारी, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सीधा सीधा ही आपको बजाना है। इधर भी नी धा पा, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। इस बीच में आप अपनी आवाज को दौड़ाएं। अगर आवाज अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे मैं तो हारमोनियम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आवाज नहीं लगाने की जरूरत है। बिना आवाज को लगाए हमें उस पे अपने हाथ को दौड़ाना है। कोई भी बंधन नहीं है आपके ऊपर, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने हाथ को दौड़ाना है। और जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा आप जाएं और सीधा सीधा ही वापस आ जाएं, तब तो फिर वो एक फॉर्मेट बन के रह जाता है। कहीं से भी आप लौटें, कहीं भी आप जाएं, कुछ भी आप करें, ये आपका मन है। बस हमारे स्वर दरबारी के लगने चाहिए। जब इस तरह आपका हाथ दौड़ता है तो आपके हाथ में बैलेंस आता है और स्पीड आती है, और तब आप गाने को अच्छे से समझ पाते हैं। कोई गाना होगा तो उसमें कौन से सुर लग रहे हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है। दरबारी के बाद में फिर हमारा राग आता है भैरवी। सारे सुर कोमल, इसको भी ठीक उसी तरह आपको अपने हाथ को दौड़ाना है और याद भी रखना है कि भैरवी में हमारे चारों सुर कोमल लगते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दो राग आपके हो गए संपूर्ण जाति के। अब हम लेंगे एक राग औरव जाति का, ठीक है, वो होगा हमारा शिवरंजनी। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। इसको भी आपको ठीक उसी तरह हाथ को दौड़ाना है। ठीक है, पहले तो सीधा सीधा करेंगे, खूब अपने हाथ को दौड़ना। जितना आपका हाथ स्पीड में आएगा उतना ही अच्छा आप हारमोनियम बजाएंगे। ये हमारा था तीसरा, ठीक है। उसके बाद में आता है राग अलैया बिलावल। अलैया बिलावल में सभी सुर शुद्ध है, जैसे हमारा बिलावल है। अच्छा, बिलावल जो है, बिलावल में बहुत सारे बहुत गाने कम है, बिलावल में गाने नहीं है। जितने भी गाने हैं वो सब अलैया बिलावल में है, क्योंकि अलैया बिलावल में दोनों नी लगती हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह में शुद्ध नी, अवरोह में कोमल नी, ये अलैया बिलावल की पहचान है। कोई भी ऐसा आप गीत बजाते हैं जिसमें दोनों नी लग रहे हैं और बाकी सब स्वर शुद्ध हैं, तो सीधा समझ लीजिए वो अलैया बिलावल में है, ठीक है।
इसको भी आपको उसी तरह प्रैक्टिस करना है। अच्छा अभी मैं आपको ये खाली एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसपे आपको हाथ दौड़ाना है। इसमें बहुत सारे नियम कानून रागों के हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ को तैयार करें। जब हमारा हाथ तैयार हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया ना कि आप अपनी प्रैक्टिस को कठिन नहीं बनाए, अगर कठिन बनाएंगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप उसको बजाएंगे नहीं, बोरियत होने लगती है। और इन सबको बजाना बोरियत तो होता ही है, लेकिन उन बोरियत को हमें काट करके आगे बढ़ना होता है। जैसे मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बताता हूं, जैसे एक महिला अपने घर में खाना बनाती है रोज, ठीक है, और रोज वो एक ही सब्जेक्ट पे काम करती है, जो भी खाने में बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, लेकिन वो रोज बनाती है, रोज बनाते बनाते वो भी बोर हो जाती है। लेकिन क्या वो बोर होने से उसको बनाना छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। अगर वो बनाना छोड़ देगी तो खाएंगे सब क्या और वो खुद क्या खाएगी? इसलिए बोरियत होने के बाद भी हमें वो काम करना पड़ता है और पूरे जीवन करना पड़ता है उस औरत को। तो वही चीज हमारी प्रैक्टिस में भी है कि आप अलंकार बजाते हैं, राग बजाते हैं, गाने बजाते हैं, और उनमें अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत बोरियत होती है, तो क्या बोरियत होने की वजह से आप उसको छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी बोरियत हो, एक महिला की तरह आप पेशेंस रखें कि देखिए बोरियत तो है लेकिन वो काम करना जरूरी है अगर उसमें हमें आगे बढ़ना है, तो इसीलिए हमें वो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद में राग आता है, अब इसमें हम फिर से ले लेते हैं एक और जाति का राग, भीम पलासी। भीम पलासी में भी बहुत सारे गाने हैं, सा गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। राग भीम पलासी में आरोह में 5 स्वर लगेंगे, अवरोह में 7 स्वर लगेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी जैसे उसमें आरोह अवरोह दिया है बिल्कुल वैसे बजाएं, क्योंकि गाना जब हम बजाते हैं तो उसमें भी हमारी यही चीजें होती, आरोह में स्वर नहीं लग रहा है, अवरोह में लग रहा है। सा गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, नी धा पा नी सा, गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस पे भी अपने हाथ को अच्छे से दौड़ाएं। इसके नियम कानून को इसमें भीम पलासी में जैसे जो आरोह में 5 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर, उसको लागू रखें। वो जैसे है आरोह अवरोह, आरोह अवरोह जैसे दिया हो वैसे ही बजाना है, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको राग बता रहा हूं इन सबको आप अपनी डायरी में लिख लें, ठीक है। उसके बाद आता है राग चारुकेशी। संपूर्ण जाति का राग है ये, किसी भी थाट से नहीं आता। ये साउथ इंडियन का यानी दक्षिण भारत का राग है, लेकिन हमारे इसमें फिल्में बहुत सारे गाने बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा राग है। चारुकेशी, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, धा नी कोमल बाकी सब शुद्ध, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही प्यारा और राग आता है, राग किरवानी। इसमें भी बहुत सारे हमारे फिल्मी गाने हैं। सा
कोमल गा, मा पा कोमल धा, नी सा, नी शुद्ध रहेगा इसमें। सा नी धा पा मा गा रे सा, नी सा रे सा नी सा रे गा, रे गा मा रे मा पा मा पा धा पा धा, नी गा नी सा नी धा पा मा पा धा पा मा पा मा गा रे गा मा गा रे सा। किरवानी, ठीक है। किरवानी के बाद में फिर आ जाता है हमारा राग मालकोंस। राग मालकोंस भी बहुत ही बढ़िया राग है औरव जाति का। सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा। इसमें आरोह में भी पांच सुर लगेंगे और अवरोह में भी पांच सुर लगेंगे। मालकोंस में भी बहुत सारे सारे गाने हैं और बहुत अच्छा जो है राग भी है। सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा, नी सा नी ध म ध नी ध नी सा नी सा ग, सा ग म ध म ध नी ध नी सा नी सा ग सा नी सा नी ध नी ध म ध म ग म ग सा। ठीक है, मालकुंस। इसके बाद हमारा राग आता है भैरव। बहुत ही प्यारा राग, मॉर्निंग का राग है ये। इसमें सैड गाने ज्यादा बनते हैं। सा रे ग म प ग नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ग नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, नी ध म ग नी ध नी सा, नी ध रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ग इसमें भी आपको आरोह अवरोह बजाना है। और जैसा कि हमने आपको शुरू दरबारी में बताया था कि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रखना है कि हमको सीधा जाना सीधा आना, नहीं। जो सुर आपके मन में आए वो सुर लगाइए और उसको बजाइए, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो आपका वो भी बहुत अच्छा उसका फील बनेगा। और जब रागों का फील हमारे दिमाग में आ जाता है तभी हम पहचान पाते हैं कि हमारा गाना कौन से राग में है। ये हमारा था राग भैरव, ठीक है। इसके बाद में अब राग आएगा पहाड़ी। ये भी बहुत ही प्यारा राग है और इसमें भी बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि ये बिलावल थाट से पहाड़ी आता है। और जैसे कि हमने बताया शुरू में, अलैया बिलावल में जितने भी गाने होते हैं उसमें से कहीं ना कहीं उसमें पहाड़ी मिक्स होता है। आइए राग पहाड़ी का भी आरोह अवरोह देखते हैं। अच्छा, राग पहाड़ी में कुछ लोग इस तरह से भी लेते हैं, कुछ लोग इसको और भी तरह से लेते हैं। कुछ लोग आरोह अवरोह को बिल्कुल इस तरह लेते हैं जैसे भोपाली के हमारे स्वर होते हैं, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। लेकिन कुछ उस्ताद जो है पहाड़ी को इस तरह लेते हैं, सा रे ग प ध सा, सा नी ग प म ग रे सा। कुछ लोग पहाड़ी में कोमल नी को भी यूज करते हैं, ठीक है। और अवरोह में सातों स्वर भी लेते हैं। तो पहाड़ी को आप अगर बिलावल अलैया बिलावल कर लेते हैं तो अलैया बिलावल से ही आपको पहाड़ी का भी स्वभाव मिल जाएगा, नहीं तो ज्यादातर पहाड़ी में इस तरह ही करना है। पहाड़ी को कई तरह से लोगों ने गाया है। कुछ लोग कोमल नी लगा लेते, कुछ लोग शुद्ध नी लगाते हैं, इसलिए उसमें जो है कुछ एक अनुमान लगाना मुश्किल है। आप जो है उस तरह करें जैसे सा रे ग प ध सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। आरोह में पांच स्वर लें और अवरोह में सातों स्वर लें और इस पे हम अपना प्रैक्टिस करें।
हो गया पहाड़ी, पहाड़ी के बाद में इतने ही राग आप बजाए, ठीक है। ये हमारे 10 राग हैं, 10 रागों में इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इनमें आरोह अवरोह को सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया इतने बीच में आपको प्रैक्टिस करनी है आरोह अवरोह की, एक इस पा से लेकर के और तार सप्तक के पा तक दोनों इतने बीच में हाथ को खूब अच्छे से दौड़ाना है। और जब इसमें आपका अच्छे से हो जाए उसके बाद आप बंदिश भी इसमें कर सकते हैं। बंदिश करेंगे तो आपको ताल का अच्छा अनुभव होगा और अच्छा बजा पाएंगे। इन रागों में हमारे सबसे ज्यादा गाने बने हुए हैं जो हमने आपको बताए, इनको एक एक करके आप अपनी डायरी में लिख लीजिए और बजाइए, ठीक है। इनको बजाएंगे तो आपको इन सब रागों की समझ हो जाएगी और इनमें सबसे ज्यादा गाने हैं, जब आप बजाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ हमने हमारा जो है गाना किस राग में है, ठीक है। तो मिलते हैं। अच्छा, जितने भी राग हमने आपको बताए इनको हम आगे आपको और बताएंगे कि राग आप कोई भी राग है उसके उसके नियम क्या है, उसको हमें जैसे अगर बंदिश आप करेंगे तो उसमें फिर नियम कानून लागू होते हैं, तो वो भी सब आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल सबसे पहले आप अपने हाथ को तैयार कीजिए और स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। नमस्कार। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं व्हाट्सएप पर, तो ऑनलाइन ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हैं। नमस्कार।